वालेकुम। PhDs के लिए इंग्लिश एज सब्जेक्ट फॉर टीचर एजुकेटर में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको कायद ऐप ट्रेनिंग करनी है डाउनलोड। उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने क्रीडेंशियल्स यूज़ करेंगे। क्रीडेंशियल्स आपके वहीं होंगे लॉगिन और पासवर्ड जो SIS का होता है। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आप कायद ऐप ट्रेनिंग में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी 4 मंथ्स ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। आप एंटर कोर्स करेंगे। एंटर कोर्स करने के बाद आप ओरल कम्युनिकेशन पर क्लिक करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपको ओवरव्यू आ जाएगा Module 1 का। Module 1 हम आपको बताएगा कि कोर्स कैसे काम करे, यानी ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है। जब आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको डिटेल में बताएगी कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ओरल कम्युनिकेशन में आपको लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी क्लासरूम के अंदर आपने अपनी इंग्लिश के लिए स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को कैसे इन्हांस करना है। इसके बाद अटेंडेंस का ऑप्शन और कम्युनिटी प्रैक्टिस के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपके हर एक AO ने एक लिंक जनरेट किया होगा जो आपके सामने ईस्ट Module 1 के नाम से शो हो रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मीटिंग का लिंक दिखाई देगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप टीम्स पे Just 1 करके क्लिक करके शो करेंगे तो आप जो है इस पे अलाउ करेंगे तो आप उस लिंक से डायरेक्टली उनमें ज्वाइन हो जाएंगे कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिसेस में। इसके बाद यहाँ पे कायद ऐप के अंदर आपको बताया जाएगा कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसके SLOs क्या हैं और इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन के की प्रिंसिपल्स आपको बताया जाएंगे कि ओरल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है और इस तरह से कौन सी एक्टिविटीज़ हम टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। और इसके अलावा रिफ्लेक्शन एक्टिविटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसी की तरह साथ साथ आप नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा क्विजेज आएंगे। जैसे एक क्विज अभी हमने सॉल्व किया, जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आप उसके बैक पर जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। पॉज फॉर थॉट पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्विज जो है वो ओपन हो जाएगा। आप जब उसको ओपन करेंगे तो आंसर फॉर द क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर आपके सामने बहुत मुख्तलिफ आंसर होंगे जिसमें आपको एग्री और डिसएग्री करना है, जिस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएंगे। आप जब नेक्स्ट करेंगे तो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आएगी, उसको भी आपने क्लिक करना है और वहाँ पे भी आंसर द क्वेश्चंस हैं। यानी ये मुख्तलिफ क्विज हैं, 6-6 क्विज हैं जो हर यूनिट के अंदर पाए जाते हैं और इसके बाद आपको सॉल्व करना है और आपको एक रैंकिंग एक मार्क्स तक लेनी है। और यहाँ पे आपको डिसएग्री यानी 5 का मतलब है कि आप कम्प्लीटली एग्री हैं, ये कम्प्लीटली स्ट्रॉन्गली एग्री है स्टेटमेंट से, और 1 का मतलब है कि आप एग्री नहीं है। इसके बाद जब आप इस सबको सेव कर लेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इतने प्राइमरी लेवल पर इंपॉर्टेंट क्यों हैं या बच्चों को हमारे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को जो है वो कैसे इन्हांस कर सकते हैं। फिर आप इसको आगे देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताते चलें कि इसके अलावा आपको डिस्कशन फॉरम Unit 1 Task 1 भी आपको दिए हुए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ टास्क आएंगे, फिर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज भी आपको बताया जाएगा इसकी डिटेल और आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो इंग्लिश जो है उसकी कम्युनिकेशन उसके नेशनल स्टैंडर्ड क्या है वो आपके सामने आ जाएंगे। ग्रेड मुख्तलिफ ग्रेड्स के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे और ये कि उनके बेंचमार्क क्या है, यानी इंग्लिश को जो है वो कैसे हमने प्रोनाउंस करना है वर्ड्स, मतलब मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। जैसे कैसे प्रैक्टिस करना है सिंपल वर्ड्स फोनीम्स को और ये जितने भी इंग्लिश का जो लेवल है उसको कैसे अपने ग्रेड्स में हाई करते जाना है हमने। ओरल कम्युनिकेशन इन द टेक्स्ट बुक के तौर पे आ जाएगा। जब आप इसी तरह हर चीज़ को क्लिक करते जाएंगे तो मुख्तलिफ टास्क और ये चीज़ें जो है वो ओपन होती जाएंगी और साथ साथ जो हैं वो आपके सामने मुख्तलिफ क्विज खुलते जाएंगे। जब आप इस क्विज को सबमिट कर देंगे, सबमिट और ऑल एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आप इसी तरह आगे जाते जाएंगे और फिर साथ ही आपको क्विज का रिव्यू भी वो साथ साथ बताते जाएंगे कि आपने इसको कितने टाइम में किया और आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। इसके अलावा आप आगे जब जाएंगे तो आप मज़ीद देखेंगे कि आपके पास एक्टिविटीज़ और फीडबैक के ऑप्शन हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ में आपको क्विज और करने हैं और उसके साथ आपको इसको जो है वो इसके आंसर्स जो हैं वो आपको देखे जाएंगे कि इंग्लिश की सॉफ्टवेयर जैसे आई की सॉफ्टवेयर क्या है और ई की और कॉन्सनेंट साउंड इस तरह से कैसे हैं। और इसके बाद जब आप सबमिट ऑल एंड फिनिश करते जाएंगे तो आगे आपके सामने एक पूरे का पूरा डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि आपको बताएगा कि आपने कैसा क्विज किया है और आप इसको कैसे फर्दर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास फॉर्मिंग साउंड्स के ऊपर एक वीडियो होगी जो कि आपको बताएगा कि बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम साउंड्स हैं उनको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास फीडबैक में जो है वो इसी तरह क्विजेज होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं और सॉल्व करते साथ ही आपके पास जो है वो नेक्स्ट की ऑप्शन आती जाएगी और साथ ही आपको डिटेल आपको स्ट्रेस एंड इंटोनेशन के बारे में और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो है वो बताया जाएगा। इंटोनेशन बेसिकली कि पिच की साउंड आपको वॉइस की जो है वो कब हाई और स्लो करनी है ताकि एक बच्चे जो हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर सकें। और साथ ही फीडबैक में आप देखेंगे, क्लासरूम टास्क में देखेंगे कि और साथ ही ये कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल में इसको आप कैसे इसको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही सेल्फ असेसमेंट में आप जाएंगे, व्हाट व्हाई व्हेन के क्वेश्चंस होंगे और इसके साथ आप आके फर्दर लिंक्स भी होंगे जिसे आप कर सकते हैं। या
पे आप देख सकते हैं कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट के लिए वो बताएंगे कि आपको इतने स्कोर जो हैं वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 6 तक क्विजेज़ में आपको लेने हैं। अगर आप उतने स्कोर लेंगे तो भी आपका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होगा। तो इसके लिए बड़े एक पढ़ने की ज़रूरत है, इसको पढ़ें। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि घर बैठे जो है वो कोर्स जो है वो हो रहा है। आपको ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन जो है जिस तरह का वेदर कंडीशन है हार्श, आपको घर में बैठ के सुकून से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसमें आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे एंटर कोर्स करेंगे तो आपके पास ओरल कम्युनिकेशंस में जो है ओवरऑल प्रोग्रेस भी शो हो रही होगी हर टीचर की। तो उम्मीद है आपको जो है वो इस ट्रेनिंग के बारे में पता चल गया होगा कि आपने इस ट्रेनिंग के अंदर सारे क्या कॉन्टेंट्स थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।